देखिए सलार फिल्म का क्रिसमस के दिन अच्छा कलेक्शन हो गया है बॉक्स ऑफिस पर, जहां सलार ने संडे के दिन 62 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं कल क्रिसमस के दिन इंडिया में टोटल सलार का 46 करोड़ 30 लाख रुपया हुआ है बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन, जिसमें से सलार ने तेलुगु में 27 करोड़ 10 लाख रुपया कलेक्शन किया, तो मलयालम से 1 करोड़ 30 लाख रुपया, तो तमिल से 2 करोड़ 5 लाख रुपया और हम्बाले के कनाडा से 85 लाख रुपया कलेक्शन हुआ है सलार का। और अपने हिंदी में भी सलार ने 15 करोड़ रुपया कलेक्शन किया है क्रिसमस के दिन, और इसी के साथ सलार का अब तक हिंदी में टोटल कलेक्शन 69 करोड़ हो चुका है 4 दिन में, और जल्द ही 100 करोड़ भी हिंदी में क्रॉस कर जाएगा सलार का कलेक्शन। वैसे प्रभास के सलार का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 4 दिन में 255 करोड़ 40 लाख रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मिलाकर सलार फिल्म ने 480 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया सिर्फ 4 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर। बाकी भाई अब देखा जाए सलार का वर्किंग डे में कितना कलेक्शन डाउन जाता है बॉक्स ऑफिस पर। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वर्धराज मन्नौर को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। तेजा सज्जा के हनुमान के ट्रेलर के बाद जल्द ही एक और अपडेट आने वाला है। एक्चुअली में कुछ समय पहले अचानक से तेजा सज्जा ये पोस्टर शेयर किए हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है महामास अपडेट कल सुबह 11:07 पर रिलीज होगा। अब पता नहीं कल क्या हनुमान मूवी से प्रशांत वर्मा भेजने वाले हैं। वैसे भाई आज शिवा कार्तिकेय की ऐलान फिल्म का प्री रिलीज इवेंट होने जा रहा है चेन्नई में। शायद ये मूवी सच में हिंदी में नहीं आएगी संक्रांति के दिन, यानी हमें ऐलान जैसी साईफाई फिल्म हिंदी में देखने का मौका नहीं मिलेगा, जो सच में बड़ी दुख की बात है। जय श्री राम। देखिए अजय देवगन के सिंघम अगेन से एक बुरी अपडेट आ गई है। एक्चुअली में फिल्म का शूटिंग के दौरान अजय देवगन इंजर्ड हो गए हैं, इनके आंख में चोट आ गई है, जिसके चलते अभी अजय देवगन डॉक्टर से इलाज करा रहे, और फिर से अजय देवगन जनवरी के सेकेंड वीक के बाद ही सिंघम अगेन फिल्म का शूटिंग चालू कर पाएंगे रोहित सेठी के साथ। और कमाल की बात यह है ये वाला शूटिंग शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगा, और वहाँ अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार के सूर्यवंशी, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी जाएंगे शूटिंग के लिए फिल्म की। और बाकी अर्जुन कपूर शुरू से ही सिंघम अगेन के सेट पर हैं अपने विलेन के कैरेक्टर के लिए। वैसे भाई इस साल हमने सलार डंकी का क्लैश देख लिए हैं, और अब की भी सेम इसी लेवल का क्लैश देखने के लिए आप रेडी हो जाइए पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन का। और मजे की बात यह है दोनों ही फिल्में सिक्वल वाली हैं, यानी सलार डंकी से भी बड़ा क्लैश अगले साल के अगस्त महीने में होगा कन्फर्म पुष्पा 2 और सिंघम अगेन का। और फिर से दोनों फिल्मों का कलेक्शन एक दूसरे के कारण माइनस होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। खैर पहले उम्मीद किया जाए अजय देवगन की आंख की इंजरी जल्दी ठीक हो जाए, तभी वह शूटिंग पर जा पाएंगे सिंघम अगेन फिल्म की। पागल है क्या? अभी गोली लगती थी ना तेरे को? आज दिन अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। बनी की पुष्पा 2 फिल्म से एक अच्छी न्यूज आ रही है। एक्चुअल में तेलुगु मीडिया में रूमर हो रही है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में एक हिंदी एक्टर की कास्टिंग होने जा रहा है, और वो एक्टर है संजय दत्त। वैसे भाई ये कंफर्म न्यूज नहीं है, बस अभी रूमर है मीडिया में। अभी सुकुमार सर प्लानिंग कर रहे संजय दत्त को पुष्पा 2 में कास्ट करने के लिए। शायद पुष्पा 3 के लिए सुकुमार सर संजय बाबा को कास्ट करना चाहते हैं। बाकी भाई मजा आ जाएगा अगर संजीव बाबा पुष्पा 2 जैसी फिल्म में चले जाते हैं तो। खैर देखा जाए इस बड़ी कास्टिंग से आगे क्या अपडेट आता है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा। भाई संक्रांति क्लैश से एक तमिल की पैन इंडिया फिल्म पोस्टपोन हो गई है, जिसका नाम है लाल सलाम। रजनीकांत सर अपने दामाद धनुष से अब क्लैश नहीं करेंगे बॉक्स ऑफिस पर। वैसे धनुष D50 के बाद एक और फिल्म को डायरेक्ट करना चालू कर दिए हैं, जिसमें वो हीरो नहीं बल्कि वो फिल्म उनकी बहन का बेटा का है, जिसका नाम शिव कुमार है, और इसको ही डेब्यू करा रहे हैं धनुष इस बड़ी नाम वाली फिल्म से, जो कि एक रोम कॉम तमिल फिल्म है। और इसके अंदर जूलियो का बेटा कैरेक्टर प्ले किए थे मैथ्यू थॉमस, वो भी होने वाले हैं। शायद जल्द ही कुछ 30-40 दिन में धनुष इस निकाउ कोबाम फिल्म का काम खत्म कर देंगे। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर फिर से आ जाते हैं।
जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे शाहरुख खान की डंकी फिल्म से। देखिए डंकी ने जहां इंडिया में संडे के दिन 31 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं डंकी का कल क्रिसमस के दिन 24 करोड़ 32 लाख रुपए कलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में। और इसी के साथ शाहरुख खान की डंकी का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 5 दिन में 129 करोड़ 95 लाख रुपया हो चुका है और ओवरसीज मिलाकर डंकी ने 256 करोड़ 50 लाख रुपया कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। अब चलिए रणबीर कपूर की एनिमल के बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं। देखिए एनिमल ने जहां संडे के दिन 2 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं एनिमल का क्रिसमस डे के दिन 1 करोड़ 85 लाख रुपए कलेक्शन हुआ बॉक्स ऑफिस पर। और इसी के साथ एनिमल का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 25 दिन में 538 करोड़ 2 लाख रुपया हो चुका है कलेक्शन और ओवरसीज मिलाकर रणबीर कपूर की एनिमल ने 874 करोड़ कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अल्लाह हाफिज़।